ये है निर्णायक न्यूज मध्य प्रदेश। नरसिंहपुर जिले में गायों का हुआ बुरा हाल, गौशाला प्रबंधक चुप, प्रशासन को जरूर ध्यान देना चाहिए। मध्य प्रदेश में गायों को लेकर पिछली सरकार कांग्रेस सरकार द्वारा भी सेवा भाव की बात कही गई थी, जिसमें कहा गया था कि जगह जगह गौशाला बनकर तैयार होंगी। आपको ध्यान दिला दें कि आज सरकार भाजपा की है और आने वाले चुनाव के बाद ना मालूम किसकी सरकार होगी, यह तो जनता तय करेगी। पर राजनीतिक पार्टी के नेताओं को हम बताना चाह रहे हैं कि प्रदेश से लेकर हर जिले में गाय माता के नाम पर जो राजनीति की जाती है उस पर काम नहीं किया जा रहा है। आज गाय भूखी प्यासी घूम रही है, आए दिन वाहनों की टक्कर से जगह जगह मारी देखी जाती है। मध्य प्रदेश गौशाला प्रबंधक समिति द्वारा कोई ठोस निर्णय गायों को लेकर नहीं देखा जा रहा है। नरसिंहपुर जिले में भी गायों का बहुत बुरा हाल है। हर तरफ मेन हाईवे पर गायों को आए दिन वाहनों की टक्कर से मरा पाया जाता है। जिला प्रशासनिक अधिकारी, ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, नगर परिषद के CMO कोई नई नीति लाकर बेसहारा गायों को सहारा देकर धर्म लाभ ले सकते हैं। एक तरफ हिंदू धर्म में गाय को माता जी कहा जाता है, पर गायों की सेवा के नाम पर राजनीति करने वाले आज बेसहारा भूखी प्यासी घूमती गायों पर दया नाम की कोई चीज सामने नहीं देखी जाती है, जिसे आज गौशाला चलाने वाले भी चुप देखे जा रहे हैं, जिससे गायों मवेशियों का बुरा हाल है। क्या मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ऐसा कोई ठोस निर्णय लेंगे जिससे बेसहारा गायों पर सहारा मिल पाए, क्योंकि जगह जगह गौशाला तो बन रही है पर राजनीति का खेल चल रहा है। गौशाला निर्माण में आखिर देरी क्यों, यह भी आज प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। जिला प्रशासन इस ओर ध्यान दे जिससे बड़ी परेशानी दूर हो सके। नरसिंहपुर जिले से विनोद चौकसे की रिपोर्ट। SH 44 पर गाढ़ावारा से बिदीजा रोड है, भोपाल रोड है, आप देख सकते हैं साईगढ़ा से 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यह गाय मरी पड़ी है। बार बार प्रदेश शासन को, जिला प्रशासन को इस चीज़ की जानकारियाँ दी हैं कि गाय की जो स्थिति इस समय है वो बहुत ख़राब है। नगर में, ग्रामों में, रोडों पर जगह जगह जो हिंदू धर्म में गाय को जो माँ कहा जाता है, वो आज कहीं अपन रोड पर देखते हैं तो वो वाहन के टक्कर में मरी पाई जाती है, कहीं भूखी घूम रही है, कभी प्यासी घूम रही है। जिला प्रशासन से, जिला कलेक्टर श्री वेद प्रकाश जी से और हमारे जो जिला प्रशासन में जो सम्मानीय अधिकारी हैं, सम्मानीय नेतागण हैं, गाय के बारे में थोड़ा कुछ ऐसा कुछ नियम लेके आए, कुछ ऐसा करें जो गाय कम से कम गौशाला में रह सकें, उनके लिए व्यवस्था बन सके, उनके लिए जो दाना पानी रहता है, प्रशासन के जो सहयोग रहता है वो उनको मिल सके। हम देखते हैं गौशाला तो बनी है पर गायों की आज स्थिति खराब है। बार बार यही अपील करते हुए मैं फिर एक बार नरसिंहपुर जिला से विनोद चौक से पत्रकार बोल रहा हूँ कि गायों के लिए कुछ मध्य प्रदेश शासन, शिवराज सिंह जी चौहान जी कुछ ऐसा करें जिससे गाय की व्यवस्था में, उनकी व्यवस्थाओं में सुधार हो और जिससे वो इस तरह रोडों पर मारी ना जा सके।